Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sarsheva, you're without the chemistry master teacher, and I hope some master honge, swasth honge. So, bhai aur behno, aaj kal ka sabse bada issue hai focus. We are not able to focus on one thing क्योंकि हम लोग distracted रहते all the time. In fact, हम क्या करने जाते हैं वो भूल जाते हैं. ऐसा क्यों? Is phone or social media or something else distracting us? So, focus is something जो कि हम सब lack कर रहे हैं और उसी focus को पाने के लिए there are certain ways, there are certain techniques. ये सिर्फ ना ही आप सीखोगे, मैं भी आपके साथ सीखूंगी. सो डिस्ट्रैक्शन डज नॉट जस्ट लेट यू फोकस. इफ दैट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, देन द सेशन इज एब्सोल्युटली फॉर यू. चलिए, लेट्स लर्न समथिंग टुगेदर. सो उससे पहले एक बार स्केड्यूल ऑफ द वीक पे नजर मार लेते हैं भाई और बहनों. सो सक्सेस टिप्स फॉर क्लास 9 हाफ ईयरली एग्जाम्स विल बी कमिंग अप, एंड एज यू कैन सी इस बार हम लोग का एनसीईआरटी मैराथन आने वाला है, मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो अगर आपको अगेन लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी करना है एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस एंटायर चैप्टर गुड के एकदम पी जाना है, तो 5 PM on Friday, we'll be starting up with NCERT Marathon और उसके बाद होगा week quiz, क्योंकि 1 mark के questions तो आते ही आते हैं और उनको practice करना बहुत बहुत ज़रूरी है within limited period of time. तो हम लोग week quiz खेलेंगे on matter in our surrounding. Then I'll be taking structure of atom का cheat sheet, which is very helpful for you all. Exam से पहले काफी काफी help करता है आपको ये cheat sheets. तो एक structure of atoms का cheat sheet मैं बनाऊंगी and you can copy it down. Alright? Then 10 competency based question of structure of atoms and 10 short answer questions of is matter around us is pure. So go through the schedule and try not to miss anything because this is entirely important. और आप लोग के exams भी आने वाले हैं. चले आगे. ऑलराइट, सो डोंट बरी योर फेलियर्स, लेट देम इंस्पायर यू. अगर आप लोगों के पहले मार्क्स कम आए थे तो प्लीज हताश मत होना. ये मत करना कि अरे हमसे तो हो नहीं पाएगा, भाई तुमसे ही हो पाएगा. जस्ट इंस्पायर योर सेल्फ टू डू समथिंग गुड, समथिंग ग्रेट. तो जो गलतियां करिए उनको सुधारो, उन पे काम करो, एंड डेफिनेटली यू विल रीच आउट टू योर डेस्टिनेशन सक्सेसफुली. ऑलराइट गाइस, स्टार्टिंग अप विद आवर सेशन. Now, number one, आप डिस्ट्रैक्ट किससे हो रहे हैं? अब डिस्ट्रैक्शन अगर हमें हटाना है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्ट हो किससे रहे हैं. अगर हमें रूट कॉज ही नहीं पता तो कैसे क्योर करोगे, कैसे उस तरफ काम करोगे? सो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो, वेदर इट्स सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, या मल्टी टास्क करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. एक चीज करने जाते हो, दूसरा चीज भूल जाते हो, एंड आपने अपने दिन में 10 चीजें लाइंड अप कर रखी है. मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. अगर मल्टी टास्किंग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिसीजन फैटिग, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, और गॉसिपिंग अराउंड विच इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन. सो अगर इनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और मे बी सम else, so you have to find that, identify it, and then start working on the same. So make a list of things that you typically get distracted, especially जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं. जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आसपास की सारी बातें हम लोग को कुछ ज्यादा ही सुनाई देती है कि उधर कौन आया है, यहाँ गेट पे किसने बेल बजाई. सो इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड विद सच थिंग और मे बी सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन का आवाज आता है, जैसी आवाज आता है तुरंत नजर सीधा फोन की तरफ जाती है. सो यू कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो. ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज टास्क. आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा, कौन सा टास्क अर्जेंट है जिसको आज करना ही करना है, कौन सा है जिसे आप लोग होल्ड पे रख सकते हो, समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग विच कैन बी डिलीटेड फ्रॉम योर स्केड्यूल. सो टास्क अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो, डेफिनेटली यू गेट फोकस टू दैट थिंग. आपको एक एक लगन सी लग जाती है कि भाई आज इसको हमें करके ही रखना है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगले दिन अगर इंग्लिश का पेपर है तो ऑब्वियसली आप प्रायोरिटाइज करोगे कि आप इंग्लिश पढ़ो, या फिर साइंस का पेपर है तो साइंस पढ़ो. ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पहले तुम कोई और सब्जेक्ट खोल के बैठोगे. सो प्रायोरिटाइज करना आपको आता है, इट्स जस्ट दैट पूरे साल आप उस चीज को फोकस नहीं करते हो, प्रायोरिटी को फोकस नहीं करते. सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ, क्रिएट अ लिस्ट, प्रायोरिटाइज टास्क करो. डेडलाइंस देखो कि यार हम इस चीज को कब तक
कंप्लीट करें, बिकॉज कुछ असाइनमेंट्स होते हैं जो कि आपको लेट देने हैं, कोई प्रोजेक्ट्स है विच यू हैव टू सबमिट लेट, सो यू कैन प्रायोरिटाइज एंड मेक डेडलाइंस अकॉर्डिंगली. फोकस ऑन कंप्लीटिंग वन टास्क एट अ टाइम. गाइस अगेन, मल्टीटास्किंग बहुत खराब होती है. इफ यू थिंक अरे मैं तो मल्टीटास्क कर लेती हूँ या कर लेता हूँ एंड समथिंग मेरे लिए बहुत वर्कआउट करती है, ये काम कभी कभी हो सकता है, नॉट ऑलवेज. यू विल फील वेरी फैटीग, आपको इतनी थकावट महसूस होगी और आप बाकी के इम्पॉर्टेंट टास्क मिस कर जाते हैं. सो कंप्लीट वन थिंग एट अ टाइम, इससे आपका फोकस काफी बढ़ता है एंड यू डिक्रीजेस द डिस्ट्रैक्शन. ब्लॉक योर टाइम टेबल, दिस ऑल्सो वर्क्स वेरी वेरी नाइसली. आप अपना टाइम टेबल ब्लॉक करो, इम्प्लीमेंट करो ब्लॉकिंग टेक्निक कि अच्छा आज मेरा ये टाइम स्लॉट इस पर्टिकुलर चीज पे जाएगा क्योंकि कल मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, मुझे ये प्रोजेक्ट कल सबमिट करना है, मेरा ये एक्स वाई जेड टेस्ट है. तो यू ब्लॉक योर कैलेंडर, मेक इट फ्लेक्सिबल. During work periods, eliminate all distractions. Concentrate only on completing your task. क्योंकि आप लोगों के papers आ रहे हैं, तो ये काम करना बहुत जरूरी है. Try to focus. Remove all the distractions, चाहे वो social media हो, चाहे वो notification के sounds हो. मैंने एक बार किसी बच्चे का कमेंट पढ़ा था कि अगर notifications हम लोग हटा देते हैं तो फिर हमें calls के बारे में कैसे पता चलेगा. So work according to yourself. The thing which is not important to you, और उसके भी notifications आके अगर आप distract होते हो तो please remove it. And you can obviously customize things accordingly. भाई smartphone का मतलब है smartphone, है ना? तो आप customize कर सकते हो. Just be smart to handle it. Reduce time spent on social media. Exams आ रहे हैं, बार बार I'm telling you, social media is the worst place जहाँ पर अपना time आप खराब करेंगे. उतना time अगर आप कोई concept याद करने में लगाएंगे तो you will see कि it was worth it. Social media scroll करने से या reels देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा. लिमिट नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन ऑन योर डिवाइस. तो जो चीज काम की नहीं है उसके नोटिफिकेशन बंद कर दो. कंसिडर यूजिंग वेबसाइट ब्लॉकर्स और एप्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप उनको स्लीप मोड पे डाल सकते हो. आप किसी किसी एप्स को भी बंद कर सकते हो फॉर सम टाइम सो दैट यू कैन यूज देम लेटर वंस यू आर डन विद योर एग्जाम्स. एंड प्लीज गिव सर्टन टाइम लिमिट टू स्क्रीन. सोशल मीडिया को थोड़ा टाइम दो. ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट जरूरी है बट एग्जाम्स आते आते उसका पोर्शन कम हो जाना चाहिए. प्रैक्टिस मेडिटेशन, दिस कम्स विदाउट सेइंग. ईट हेल्दी फूड, प्रैक्टिस मेडिटेशन. और आई मस्ट से अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, यू फील रिलैक्स, देन डू दैट. गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, दैट इंक्रीजेस फोकस डेफिनेटली. हम कभी कभी स्लो वॉक पे जाते हैं, हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल जाती है कि ओके दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू. आप म्यूजिक सुनते हैं, यू फील रिलैक्स्ड एंड यू फील वेरी वेरी फोकस्ड. एस्टैब्लिश हैबिट्स. ब्रेकिंग ओल्ड हैबिट्स इज वेरी डिफिकल्ट. काफी समय से अगर आपके अंदर कोई एक आदत है और जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, आई नो उसको बदलना इज वेरी वेरी मुश्किल, टाइम टेकिंग होता है, बट it's worth it. So breaking old habits, building new, you have to be very patient with yourself and you should celebrate your progress. आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये चीज distract कर रही है, मुझे ये बंद करना पड़ेगा, वो आपका फेवरेट चीज पे होल्ड लगाने के लिए भी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे एंड यू विल फील लाइक कि हाँ यार वो प्रोग्रेस जो मैंने करा है दैट्स रियली रियली गुड. Stay committed to your goals and keep yourself focused. Create a distraction-free environment. जहाँ पढ़ते हैं उसके आसपास अगर आपको लग रहा है कि कोई पोस्टर लग रहा है, where you just watch and stare it for a long, long time, और कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो and that distract you, please आप उसको उठा के कहीं साइड में रख दीजिए. So एक अपने लिए distraction-free environment बनाओ. जो चीजें आपको tempt करती हैं and which waste your time, keep them far apart and make yourself an uninterrupted place. और एक study table या एक study joint आपके पास होना चाहिए कहीं corner में so that you are always have attention on studies. Alright guys, I hope ये आपके काम आया होगा. Not only you, I think adults के भी काफी काम की चीजें because we all lack
अटेंशन, वी ऑल लैक फोकस. सो ये भाई सबके सीखने की बात है, दैट इंक्लूड्स मी ऑल्सो. थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे चलते चलते. दिस इज मी राजदा सरदेवा साइनिंग ऑफ, एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी ऑलवेज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म गिवन बिलो. ठीक है, नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दिया है क्योंकि हमारे फेवरेट टीचर्स आपके टाउन में आ रहे हैं, सो भूलना मत उनसे मिलना. एंड अगर आप चाहते हैं कि वो आपके टाउन में भी आए, सो प्लीज डू मेंशन द डिटेल्स. और अगर वो आपके टाउन में है तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, आपको हम भेजेंगे एक प्रॉपर इन्विटेशन. उसके लिए भी आप अपनी डिटेल्स गूगल फॉर्म में फिल कर देना जरूर से. ठीक है, एंड आपके साथ वो ढेर सारी बातें करेंगे, खूब सारी बातें, एंड कुछ मजाक भी होगा, हंसी मजाक भी होगा, एज वेल एज मोटिवेशनल टॉक्स होंगे. आप लोगों के लिए जरूरत की बातें होंगी. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट योर टीचर्स. बट लेट मी टेल यू, अक्टूबर 20 को बैंगलुरु में ऑलरेडी बच्चों के साथ एक मीट हो चुका है. इसका लिंक आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा, सो गो चेक दैट आउट, यू विल सी हाउ फन इट इज. पुणे में 29 अक्टूबर, न्यू दिल्ली इट विल बी 4th and 5th November. सो दिल्ली हाइट्स, कम ऑन, फिल द गूगल फॉर्म. एंड दोज हु वांट देयर फेवरेट टीचर्स टू कम टू देयर टाउन, और आप मिलना चाहते हैं, तो प्लीज उनकी डिटेल, आप अपनी डिटेल्स जरूर जरूर से गूगल फॉर्म में फिल करिएगा. थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर.